गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। वेल गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? और यहाँ देखिए मॉर्निंग हो चुकी है, महद जनाब उठ चुके हैं, बस महद को जस्ट रेडी करना है मुझे स्कूल के लिए। और उसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ किचन में मैं क्या कर रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैं जो बना रही थी वो थे फ्रेंच फ्राइज़ महद के स्कूल के लिए। और महद के फ्रेंच फ्राइज ऐसे होते हैं गाइज़ कि इसमें बस मैंने थोड़ा सा ना ऑर्गेनो डाला है, ब्लैक पेपर डाला है और सॉल्ट, दैट्स इट। और हल्का सा जो है कॉर्नफ्लोर डाल के जो है बस मैं इसको जो है फ्राई कर रही थी। और ये देखिए आप, इसीलिए मैं वहाँ तो रेडी नहीं करी क्योंकि अगर मैं हटी तो ये जल जाएगा और अगर मैं इसे जो है हमें हाई फ्लेम पे ही जो है वो बनाने होते हैं। तो बस मैं यहाँ पर खड़ी हुई, बस जल्दी से 5 मिनट्स ऑलमोस्ट लगेंगे या 2 मिनट्स, और उसके बाद फिर मैं जाके वहाँ को जो है रेडी करती हूँ। तो बस ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत अच्छे से क्रिस्पी से हो गए हैं ये। बस इसको थोड़ी देर मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर रख दिया और अब बस इसको मैं पैक करूँगी। डायरेक्ट पैक करूँगी ना थोड़े सौखी से हो जाएंगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको छोड़ दिया है और 2 मिनट बाद आके मैं सबको पैक कर दूँगी। तो बस गाइज यहाँ देखिए महद हो गया है बिल्कुल रेडी, और महद जो है वो बिल्कुल मूफुल जैसा ही लग रहा है। तो गाइज़ ये है महद का फेवरेट कार्टून मूफुल। और बस चलिए चलते हैं नीचे महद को ड्रॉप करने के लिए वैन के लिए। तो महद के लिए सबको अस्सलाम वालेकुम कह दो। तो चलिए गाइज, महद आपको आप सबको सलाम कर रहे हैं। तो चलिए गाइज हम लोग आपसे मिलते हैं, मेरे महद को ड्रॉप कर आती हूँ। तो ना मत इसको बश ओके। तो बस गए इस महद को स्कूल वैन में ले छोड़ने के बाद मैं आ गई हूँ शॉप में। जस्ट बराबर में ही है हमारी ये शॉप और मुझे यहाँ से लेने थे रस। तो बस मैं वही यहाँ से रस ले रही थी, रस और मिल्क लेना था। चलिए लेते हैं और चलते हैं घर पे। और ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं मुझे क्योंकि काफ़ी सिके हुए होते हैं। बस उसके बाद गए घर के, गई घर के नॉर्मल सब काम वाम किया। आप देखिए महद आ गया था, तो मैं महद के लिए गई बना रही थी एग पराठा। और ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, मैंने एग को पराठे को अच्छा सा बना के उसके अंदर जो है वो एग की फिलिंग करी है। तो बस ये देखिए ऐसे मैंने करा है, फर्स्ट टाइम ट्राई किया और अच्छा बना और महद को भी बहुत अच्छा लगा। यूजली तो मैं ऊपर ही डालती थी लेकिन इस बार मैंने अंदर डाला इसके। और यहाँ देखिए मैंने ला के रख दिया है महद के लिए और महद खा लेता क्योंकि महद स्कूल से आ गया था। और ये महद का मैंने बना दिया है अब लंच और मैं निपटा लेती हूँ अपने बाकी सारे काम। तो बस गाइस अभी हो गए हैं 6:15 के आसपास और यहाँ देखिए हमारे यहाँ क्या हो रहा है। और महद को मैंने यहाँ उठाया है क्योंकि इस टाइम हमारे यहाँ बोलते हैं मगरिब का टाइम है कि सो मत, तो मैंने जनाब को उठाया था। और ये देखिए यहाँ ये सोफे पे बैठे बैठे ही सो गए, इनको कुछ होश नहीं है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, कुछ नहीं, क्योंकि नींद इतनी ज़्यादा आ रही है। तो चलिए गाइस इसी के साथ पहले चलते हैं किचन में और फिर मैं महद को होमवर्क कराती हूँ। तो गाइस बहुत टाइम हो गया मैंने कोई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करी। तो अभी जो मैं बना रही हूँ वो है हमारी, ये है शिमला मिर्च, टमाटर और आलू जो है ये मैंने काट के रख लिए हैं। और आज मैं शिमला मिर्च का जो है वो कीमा बनाने वाली हूँ, लेकिन वो जो है चिकन में बना रही हूँ मैं क्योंकि मेरे पास चिकन ही अवेलेबल था। और ये चिकन के पीसेस जो है वो मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। चलिए अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल से और बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसीजर। मैंने कुकर जो है वो गैस पे रख दिया है और इसमें ऑयल भी डाल दिया है। सबसे पहले जो हम इसमें डालेंगे वो है हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बस देखिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और यह पेस्ट मैंने जस्ट अभी अभी ही पीसा है क्योंकि मेरा बिल्कुल फिनिश हो गया था। अब इसमें हम जो डालेंगे वो है हमारे थोड़े से जो है मसाले जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कोई भी सब्जी बनाते हैं तो 2 चम्मच लगा लेते हैं ताकि हमारा अदरक लहसुन अच्छे से भुन जाए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे हमारी हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, अब वो चारों चीज़ें जो हम इसमें डाल देते हैं। तो बस यहाँ देखिए मैंने सब चीज़ें डाल दी हैं, इसमें भी चम्मच चला लेते हैं, मसाला जो है हमारा थोड़ा सा जो है वो भुन जाए। और ये देखिए आप, ये मेरा मसाला जो है भुनना स्टार्ट हो गया है। अब इस टाइम पे गाइस जो हम इसमें डालेंगे वो है हमारे टमाटर। वैसे तो लोग गाइस इसको ना ब्लेंड कर देते हैं जो टमाटर ताकि ग्रेवी बने, लेकिन मैं भी वही करती थी। लेकिन आज मैं जो बना रही हूँ ना वो मैंने ब्लेंड नहीं किया है टमाटर को, वो मैंने ऐसे इसको रफली चॉप करा। मेरे पास एक बड़ा सा टमाटर था जो मैंने इसमें डाला है। ये इसको हल्का सा 1-2 मिनट तक भून लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे आलू, फिर शिमला मिर्च, हल्का हल्के करके एक एक करके सबको हमें टाइम टू टाइम भूनना है। तो गाइस टमाटो मैंने डाल दिए हैं, अब जो मैं इसमें डाल रही हूँ वो है हमारे आलू। इसको भी हम 1-2 मिनट तक जो है वो भून लेते हैं इसमें। तो
तो बस गैस टमाटो भी देखिए मेरे हल्के से भुनने स्टार्ट हो गए हैं, आलू भी हो गए हैं। अब इस टाइम पे मैं जो इसमें डाल रही हूँ वो है हमारी शिमला मिर्च। अब बस शिमला मिर्च मैंने डाल दी है, इसको भी हम एक दो मिनट तक जो है वो अच्छे से पूरे मसाले में जो है वो भुनेंगे। तो बस गैस देखिए मसाला मेरा अच्छा से भुन रहा है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये गर्म मसाला हमारा, और अब इसको एक दो चम्मच चला के इसमें हम अपना जो चिकन है वो डाल लेते हैं। तो बस गैस इसमें मैंने डाल दिया है चिकन अपना, अब इसको भी हम एक दो मिनट तक भून लेते हैं। तो बस गैस सब चीज़ें अच्छे से जो है वो भुन गई है। अब जो इसमें हम डालेंगे वो है हमारा थोड़ा सा पानी, और अब हम इसको लगा देते हैं सीटी। तो बस गैस दो कुकर के सीटी के बाद मैंने कुकर ओपन कर दिया, और यहाँ देखिए मेरा ऑयल अच्छे से मैं इसको भुन रही हूँ, और मेरा देखिए ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगा है। और इसी के साथ मैंने गैस इसमें 2-3 ग्रीन चिलीज़ जो है वो भी कट करके डाली हैं, ताकि इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी और यमी सा है। तो आप लोग भी ट्राई करिए, रेसिपी ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको। तो बस गैस माँ को होमवर्क भी करा दिया है, खाना भी बन गया है मेरा, और अभी मैं बैठी हुई जो खा रही हूँ वो है क्या, ये देखिए। तो ये हैं स्पॉन्ज वाले रसगुल्ले, और ये वही है कलेवा के जो आया था 1000 बॉक्स, और यही मैं खा रही थी बस बैठी हुई। गाइज अब मेरा क्या होता है गाइज, रोज़ाना ना कुछ काम होता ही है मार्केट का, जैसे कि आपको पता ही है शादी वाले घर में तो कुछ ना कुछ रहता ही है। तो बस उसी के हिसाब से गाइज ये था कि खाना मैं पहले ही जल्दी बना लेती हूँ, मात को होमवर्क भी करा दिया मैंने, स्कूल यूनिफॉर्म सब कुछ रेडी कर दिया मैंने। अब बस ये है मैं रेडी होकर बैठ गई हूँ, 5 ऑफिस से आएंगे, चाय वाय हम पियेंगे, और हमें जो भी काम निपटाना होता है वो प्लान हम कर लेते हैं, और हम निकल जाएंगे बाहर। तो बस अभी मैं 5 का ही वेट कर रही हूँ, वो आ जाएंगे और फिर हम लोग चलेंगे बाहर। तो इसलिए गाइस व्लॉग जो है पूरा देखें आप, और देखना हम लोग बाहर क्या करते हैं और क्या लेने के लिए जा रहे हैं। तो बस गाइज हम लोग यहाँ पर स्पेक्स की शॉप पे आ गए थे, और जो मेरा ये स्पेक्स है गाइज इसमें महा चढ़ गया था, तो ये थोड़ा ग्लास इसका निकल गया था। तो बस हम लोग यहाँ पर आ गए थे ग्लास ठीक करवाने के लिए। यू आर ड्राइविंग अ कार?